हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीजेज। तो उसमें से हम स्टार्ट करेंगे कुशिंग सिंड्रोम। वीडियो को समझने के लिए पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो कुशिंग सिंड्रोम की हम बात करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम या फिर जिसे हम कहते हैं हाइपर कोर्टिसोलिज्म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से हम बात करते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो देखो, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, आपको पता होगा कि हमारी जो किडनी होती है, वन पेयर जो किडनी होती है, तो दोनों किडनी पे कैप शेप की जो वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कोर्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, सेक्स कोर्टिकोइड हो गया, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये सिंड्रोम है। तो होता क्या है कि जो हाइपर सिक्रेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो मिनरलो कोर्टिकोइड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया, या फिर जो ग्लूको कोर्टिकोइड्स होते हैं, जो कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, जो सेक्स कोर्टिकोइड्स होते हैं, ठीक है, मेनली हम बात करेंगे कोर्टिसोल की यहाँ पर। तो उनका यहाँ पर होता क्या है कि हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए कि इट इज एन हार्मोनल डिसऑर्डर, कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है कोज बाय द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड क्लास के। तो ये कोज की जाती है जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसके एक्सेसिव सिक्रेशन होने से ये कोज होती है। कोर्टिसोल हार्मोन आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की क्लास में, ठीक है, और दूसरा जो हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आता है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन की क्लास में आता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन होता है, और उसकी वजह से हमको यहाँ पर जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमको हाइपर ग्लाइसेमिया यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, और जब इसका सिक्रेशन यहां पर बढ़ता है बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, यदि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज होता है, तो ग्लूकोज का लेवल हमको ज्यादा देखने को मिलेगा एबनॉर्मली, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इसके अलावा हम बात करें हाइपरटेंशन की, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया की। अब सेकंड जो हार्मोन की हमने बात की है, वो बात की हमने एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन जो करता क्या है कि हमारी जो किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट, जो नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट और जो डीसीटी होती है, वहां से जो सोडियम और जो वाटर होता है उसका रिटेन करवाता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो पोटेशियम और जो फॉस्फोरस आयन होते हैं उनका क्या करवाता है, एक्सक्रेशन करवाता है। अब यहाँ पर भी एल्डोस्टेरोन का भी यहाँ पर एक्सेसिव क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है। अब उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो सोडियम जो होगा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्सेसिव में रीअब्जॉर्ब करवा लेगा सोडियम को। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में सोडियम होगा तो उसे हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे, ठीक है, हाइपो मतलब हाइपरवोलेमिया भी यहाँ देखने, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब दूसरा एल्डोस्टेरोन का जो काम था पोटेशियम और फॉस्फोरस का एक्सक्रेशन करवाना, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारी बॉडी से कैल्शियम का लॉस हो जाएगा, तो उसे हम बोला, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है कोर्टिसोल हार्मोन का, और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं मेनली इनका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपोकैलेमिया हो गया, और हाइपरवोलेमिया यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, फैट का जो डिपोजिशन होता है वो होता है अनयूजुअल बॉडी एरिया के अंदर। देखो, नॉर्मली हमारे जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिपोज टिश्यू में फैट, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो फैट का जो डिपोजिशन होता है वो अनयूजुअल बॉडी एरिया के अंदर होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें लाइक द फेस, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आ जाती है, ठीक है, पर्सन के, तो जैसे मून लाइक फेस यहाँ पर दिखाई देता है हमको, ठीक है। अपर एब्डोमिनल जो रीजन होता है, एब्डोमन पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाती है, और जो नेक वाला हमारा पार्ट है बिल्कुल वहाँ पर हम्प जैसा यहाँ पर, ठीक है, फैट के कारण हम्प हमको बना हुआ दिखाई देता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मून जैसा फेस और बफेलो हम्प इन नेक के अंदर बफेलो जैसा हम्प निकल जाता है फैट के डिपोजिशन के कारण, ठीक है, और फिश जैसा माउथ हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो फैट का डिपोजिशन होगा सेंट्रल बॉडी में, बॉडी के सेंट्रल पार्ट में, या फिर नेक वाले पार्ट में, फेस वाले पार्ट पे, एब्डोमिनल वाले पार्ट पे, जो फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, हैं। होता क्या है कि जो एडिपोज टिश्यू के यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे नेक वाले रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए जो फैट का डिपोजिशन यहाँ सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है। अब कुशिंग सिंड्रोम के हम कोज की बात करते हैं, कोजेज इसके क्या होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस है, अब जो हाइपोथैलेमस है वो यहाँ से सिग्नल देता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पॉजिटिव फीडबैक या सॉरी सिग्नल देगा। अब यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल जाता है वो जाता है ACTH हार्मोन के थ्रू, है ना, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन।
तो ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन सिग्नल देता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको सिग्नल देगा ACTH हार्मोन, और जब एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करेगी, कोर्टिसोल का हाइपर सिक्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। कोर्टिसोल यहाँ पर क्या, इसका सिक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड बढ़ा देगी, ठीक है। या फिर हमारी हाइपोथैलेमस पे देखो, तो ये नॉर्मल हमारा जो जो सीक्वेंस रहता है ये रहता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके सिक्रेशन का रिलीज होने का जो बेसिक जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है। अब इसमें होता क्या है कि या तो आपके क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, या तो स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, या फिर स्ट्रेस के अलावा हम बात करें कि जो स्लीप पैटर्न है, ठीक है, स्लीप पैटर्न जो होगा चेंज हो गया, या तो ये आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा हम बात करें जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पर ट्यूमर हो गया, जिसे हम कहते हैं एडिनोमा, ठीक है, यहाँ पर ट्यूमर हो गया। अब या जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर कोई ट्यूमर हो गया, अब ट्यूमर के साथ साथ हम बात करें कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन हमको देखने को मिल सकता है कोर्टिसोल हार्मोन का और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है, यानी एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनका हाइपर सिक्रेशन हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं कि पहला कॉज होता है कि ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर यदि ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से जो ACTH का जो सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ACTH का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सिग्नल ये यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को भेजेगा, जब एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल ज़्यादा जाएगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा वो बढ़ेगा, है ना, और वो बढ़ेगा लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें कि ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से भी एक्सेसिव सिक्रेशन हो सकता है कोर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन को, इसके हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो टू मच स्ट्रेस ऑन द बॉडी या फिर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि स्ट्रेस जब बॉडी के ऊपर होता है तो कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और तो जब इसलिए कहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस के जो पेशेंट होते हैं वो बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि कोर्टिसोल स्ट्रेस होगा तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो कोजेज है ये क्या करते हैं, इन दिस कंडीशन बॉडी प्रोड्यूस कोर्टिसोल हार्मोन इन एक्सेसिव अमाउंट, तो इन सभी कंडीशन के अंदर बॉडी क्या करती है, कोर्टिसोल हार्मोन जो मेनली होता है और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करती है। अगले कोज की हम बात करते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज कर लेना, भाई कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कम टाइम के अंदर बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, बाहर से इंजेक्शन लेते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के, जो हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा यूज टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, है ना, इसका और यूज किस में किया जाता है कि जैसे किसी को कोई ट्रांसप्लांट किए, जैसे मेरे को किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट किए, अब मुझे किडनी ट्रांसप्लांट किए तो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो मेरा इम्यून सिस्टम है उस किडनी को इग्नोर कर दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड हमें लेने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म तक, जैसे कि मैंने किसी से किडनी ली और वो किडनी रिजेक्ट ना कर दे मेरा इम्यून सिस्टम, तो क्या करेगा, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं, उसकी हाइपर जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करके रखते हैं, तो हम उनका एक्सेसिव यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऐसा इनका लेवल हमको बढ़ने को देखने को मिल सकता है, टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिजीज। और जो कोर्टिकोइड हार्मोन है तो हम किस में लेते हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ठीक करने के लिए लेते हैं, जैसे अस्थमा, रोमेटोइड आर्थराइटिस, है ना, आर्थराइटिस, इन जैसी कंडीशन को हम ठीक करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन लेते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड को यदि हम ज़्यादा ले लिए तो इनका लेवल वैसे ही बढ़ गया। भाई देखो एड्रिनल जो कोर्टेक्स के जो हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना, एड्रिनल कोर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना, फेसिकुलेरिस और रेटिकुलेटा, है ना, रेटिकुलेरिस और फेसिकुलेटा, ये तीन पार्ट होते हैं। इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो क्लास होती है हार्मोन की, वो होती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स कोर्टिकोइड्स, है ना। जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं और सेक्स कोर्टिकोइड में एंड्रोजन हार्मोन आ गए, ठीक है। तो अब यदि जो जब बात करते हैं ना कोर्टिकोस्टेरॉइड वर्ड, जो एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उन्हीं को हम कोर्टिकोइड्स बोलते हैं। भाई जो कोर्टिकोइड्स वर्ड यूज किया जाता है
कोर्टिकोइड्स का मर्ज इन्हीं के लिए यूज किया जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के लिए। और ये नेचर के अंदर क्या होता है, स्टेरॉयड होते हैं, फैट से बने होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वर्ड आई स्टेरॉयड। तो कोर्टिकोस्टेरॉयड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उनको व्यक्ति क्या ले रहा है, बाहर से ज्यादा ले रहा है। अब जब उनको ज्यादा लेगा तो उनका लेवल वैसे बढ़ गया। और मैंने बताया वो लेता क्यों है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो जाए, क्यों, इम्यूनो सप्रेसिव के लिए हम लेते हैं, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए लेते हैं। तो इन सब कंडीशन के अंदर क्या है, यहां पर एक्सेसिव सिक्रेशन हो सकता है या फिर इसका लेवल बढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, कुशिंग सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स की बात करते हैं। देखो जो साइन सिम्टम्स है ए बी सी, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन अलग अलग पार्ट है उनके बेसिस पे हम इनको समझते हैं, ठीक है, उससे थोड़ी आसानी होगी। साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। देखो जो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, तो उससे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो रिलीज होते हैं यदि उनका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, ठीक है, जैसे जोना जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट होता है उससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और इसके अंदर जो एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें आता है एल्डोस्टेरोन, सॉरी कोर्टिसोल हार्मोन। तो यदि इनका एक्सेसिव सीक्रेशन होगा तो कैसे साइन और सिम्टम्स यहाँ पर आएंगे। देखो सेंट्रल ओबेसिटी जो पर्सन होगा उसके अंदर, क्योंकि जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो क्या एक हाई, देखो कार्टिसोल एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब यदि इसका एक्सेसिव सीक्रेशन होगा तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ब्लड के अंदर, तो इसलिए एक सिम्टम्स आता है यहाँ पर हमारे, कौन सा आता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। इसके अलावा लिपिड की बात करें तो ये लिपोलाइसिस का काम करता है। इसका एक्सेसिव सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, जो लिपिड होगी हमारे जो बॉडी के अनयूजुअल जो रीजन होते हैं एब्डोमिनल फेस उन पर क्या होगा, इसका सेंट्रल वाले पार्ट पर बॉडी का फैट का डिपोजिशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी, यानी सेंट्रल एब्डोमिनल वाले पार्ट पर, फेस वाले पार्ट पर, ठीक है, नेक वाले पार्ट पर हम्प जैसी फैट बन जाएगी यहाँ पर, तो सेंट्रल ओबेसिटी हम इसको कहेंगे। जैसे बफेलो हम्प हो जाएगा नेक के अंदर, मून जैसा फेस हो जाएगा, फिश जैसा माउथ यहाँ पर पर्सन का देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब सेंट्रल यदि ओबेसिटी यहाँ पर हो रही है तो जो स्किन में हमारे जो लेग्स हैं, ठीक है, हमारे जो लिम्स हैं उनके अंदर जो जो फैट है वो वहाँ से बहुत कम हो जाएगी और वो पूरी कहाँ पर आ जाएगी, ज़्यादातर हमारे जो सेंट्रल बॉडी में आ जाएगी। तो इसलिए जो इसलिए क्या होगा, स्किन थिन हो जाएगी, थिन आर्म्स और लेग्स हो जाएंगे और थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर पतले हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले हम बात करें साइन सिम्टम्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, हमारी हड्डियाँ क्या होगी, जो बोन्स होंगी वो काफ़ी वीक हो जाएंगी, ठीक है, ससेप्टिबल हो जाएंगी फ्रैक्चर के लिए। जब कैल्शियम की हमारे यहाँ पर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो बोन्स क्या होगी, ससेप्टिबल हो जाएंगी यहाँ पर, बिल्कुल वीकनेस आ जाएगी बोन के अंदर, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी उसमें देखने को मिल सकता है। और मसल्स वीकनेस, आपको पता है कि जो जो कैल्शियम है हमारे जो मसल्स है उनके कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है, और हमारे तो उनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ मसल के अंदर भी वीकनेस आएगी। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड। अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होते हैं जिसमें हमने एग्जांपल की बात की थी जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, यदि उनका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो सोडियम और वाटर का जो रीऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर। जब उसका रीऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो देखो जब वाटर ज़्यादा आएगा ब्लड में तो हाइपरटेंशन यहाँ देखने को मिलेगा, सोडियम ज़्यादा आएगा तो हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी के अंदर इडेमा हो जाएगी ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति पर्सन क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा। और दूसरा अगले बात करें हम एल्डोस्टेरोन की, तो एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, जो पोटेशियम जो होता है उसका एक्सक्रीशन करवाता है, तो पोटेशियम का बॉडी से लॉस हो जाएगा तो हाइपोकैलेमिया यहां पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू एक्सेसिव सेक्स हार्मोन या सेक्स कॉर्टिकॉइड। देखो
जो एड्रिनल जो कोर्टिकोइड जो एड्रिनल कोर्टेक्स वाले पार्ट से होते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारे जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं, जिनको हम सेक्स कोर्टिकोइड भी कहते हैं, है ना, गोनेडोकोर्टिकोइड भी कहते हैं, सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। यदि वहाँ पर भी हमको हाइपर सिक्रेशन का जो इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, यदि हम वुमेन में बात करें स्पेशली, तो वुमेन हिर्सुटिज्म हो जाएगा, यानी जो बॉडी पर जो हेयर होंगे वो बढ़ जाएंगे वुमेन के। इसके अलावा जो ब्रिस्ट है उसकी एट्रोपी हो जाएगी। एट्रोपी का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिस्ट की जो जो वहाँ की सेल होती है उनकी जो नंबर और साइज के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ब्रिस्ट की एट्रोपी हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वुमेन के अंदर वो क्या होगा, उसका डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्लाइटोरिस जो होती है उनकी वो इनलार्ज हो जाएगी। तो ये जो साइन सिम्टम्स है ये वुमेन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम मेन की बात करें तो मेन के अंदर क्या होगा, जो उनकी लिबिडो होगी यानी जो सेक्सुअल जो डिजायर होती है वो उनकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा एक और साइन सिम्टम्स की बात करें तो पूरी बॉडी के ऊपर जो रेड स्ट्रेचेस, बिल्कुल पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पर पर्सन के रेड स्ट्रेच हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, तो रेड स्ट्रेच यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये थे साइन सिम्टम्स कुशिंग सिंड्रोम के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कुशिंग सिंड्रोम है उसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इसको कैसे ट्रीट करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका मेडिकल मैनेजमेंट, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे, इसके डायग्नोसिस बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।